अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज फिर नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपको क्लच साइड असेंबलिंग के बारे में बता रहे हैं। CG 125 ये हम क्लच बक्सा पूरा मुकम्मल नया डालने लगे हैं इस बाइक में, CG 125 में। देखें कितना स्मूथ है ये गियर प्राइमरी क्लच बक्से की छोटी गरारी, ये भी नहीं डालने लगे। तो क्लच प्लेट सेट भी इसके साथ नया ही है, वो भी नया ही डलेगा। ये छोटी सी वाशर, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि ये न्यू है ना, इसलिए थोड़ा फिटिंग में ना थोड़ा टाइम लेता है। ये क्लच असेंबली मुकम्मल फिटिंग कर रहे हैं हम CG 125 की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपका और हमारा रिश्ता बरकरार रहे। ये लॉक लगा रहे हैं हम, इसका जो क्लच बक्से का लॉक है वो लाजमी लगाना होता है। उसके बाद आप बैरिंग इंस्टॉल करना है और इसकी क्लच बक्से वाले पुश पिन ऑयल लगा लें, और ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है क्योंकि ऑयल बाद में डाला जाता है। तो अभी ये इसका क्लच बक्सा फिट हो चुका है। ऑयल पंप वाला कुप्पा जो है उसका नट आउटसाइड वाशल के ऊपर जो आउटसाइड लिखी होती है उसको ऊपर आपने रखना है, फिर नट लगा के उसको टाइट कर रहे हैं। नट की जो प्लेन साइड है उसको भी ऊपर रखना है। हम इसकी टिक्की जैन इसके अंदर ऑलरेडी था तो ठीक था जैन, तो इसलिए हमने रिप्लेस नहीं किया। इसके पेच नॉर्मल ही टाइट करने होते हैं, इतने ज़्यादा टाइट नहीं करने होते क्योंकि बाद में खोलने में आपको परेशानी ना हो। अक्सर ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो फिर वो मुश्किल से खोलते हैं, फिर वो हथौड़ी के साथ खोलने पड़ते। बिल्कुल स्मूथ है। अभी इसका जैन इंस्टॉल करेंगे, क्लच टापे वाला जैन। अब इसकी डबल पिन जो है ना वो भी इंस्टॉल करनी है हमने। डबल पिन जो है वो लाजमी होती है क्योंकि टापे का बैलेंस और जैन का बैलेंस बरकरार रहता है। कुछ मैकेनिक हजरात नहीं भी लगाते हैं, चले हम उनको कुछ कह नहीं सकते, उनकी मर्ज़ी की बात होती है। जो क्लच टापा हमने नया इंस्टॉल किया इसके अंदर, नया हमने लगाया। अभी इसके सारे जो हैं बोल्ट लगाएंगे, इसको बेहतर तो है कि थोड़ी का इस्तेमाल ना ही किया जाए, अगर करें भी तो बैक साइड ताकि टापा डैमेज ना हो। अब हम इसके सारे पेच पूरे करेंगे, स्क्रू कह लें आप, बोल्ट कह लें आप, सारे। सबसे पहला जो हमने लगाया वो बड़ा होता है बोल्ट, वो RPM वाले पेच के साथ नीचे वाली साइड पे लंबा बोल्ट लगता है, बाकी सारे सेम ही होते हैं।
की साइज होती है। देखिए इनको ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करते, बस एक लिमिट में टाइट करना होता है। कुछ मैकेनिक हजरात इसको इन स्क्रू को बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं जो ये बोल्ट होते हैं, लेकिन इनको इतना ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए। इनको अच्छे से टाइट कर लेते हैं। सबको पहले साथ मिलाना है सब बोल्ट्स को, उसके बाद जो है ना इनको एडजस्ट करना है अपने लेवल पर। ये उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो हमसे जुड़े रहिएगा। हमारी नई वीडियो के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें। ठीक है जी, जज़ाकअल्लाह, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।